हेलो एंड वेलकम टू मनी मैटर्स स्टॉक्स। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। वी विल ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस इफ इट मेक्स सेंस टू इन्वेस्ट इन एनपीएस। जिस तरह होम बाइंग, चिल्ड्रंस एजुकेशन, मैरिज या हॉलिडे, इन जैसे गोल्स के लिए हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आज रिटायरमेंट प्लानिंग भी एक गोल है जिसके लिए सब्सटैंशियल कॉर्पस क्रिएट करना जरूरी है फॉर आवर पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ। हम सबको उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है इन डिफरेंट एसेट क्लासेस जैसे कि इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट, डेफिनेटली आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानर। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड नेशनल पेंशन स्कीम टू प्रोवाइड रिटायरमेंट बेनिफिट्स नॉट ओनली टू गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज बट ऑल्सो फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफैक्ट फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स इंक्लूडिंग NRIs। कुछ लोगों का ये मानना है NPS वॉज अ टैक्टिकल मूव बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक ऑफ द बर्डन ऑफ फिक्स रिटर्न्स ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम फ्रॉम देयर हेड एंड मेक दिस न्यू पेंशन स्कीम मार्केट लिंक्ड। खैर, लेट्स नॉट गेट इन टू दिस डिबेट। जिस तरह RBI रेगुलेट करता है बैंक्स को या IRDA रेगुलेट करता है इंश्योरेंस कंपनीज को, उसी तरह पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA रेगुलेट्स NPS एंड अटल पेंशन योजना अंडर द पेंशन सेक्टर। बेसिकली NPS कैन बी डिफाइंड एज अ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम। ये मार्केट लिंक्ड होता है एंड मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बीइंग क्रिएटिंग रिटायरमेंट कॉर्पस एंड पेंशन बेनिफिट्स फॉर द इंडियन सिटीजन्स। NPS स्ट्रक्चर आप ये चार्ट में देख सकते हैं, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ अ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जिसमें NPS ट्रस्ट होता है, ट्रस्टी बैंक, कस्टोडियंस, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी POP, ये सब फैक्टर्स NPS में होते हैं, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ कोर्स। एनी इंडियन इंक्लूडिंग NRIs इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 65 ऑन द डेट ऑफ सबमिशन कैन जॉइन NPS। Contribution made by individual subscribers under this system accumulate and are locked until your retirement and the corpus continues to grow via market linked schemes. Yahan pe partial withdrawals are possible only for emergencies and subject to certain clauses. NPS mein account opening is followed by a generation of unique permanent retirement account number yani PRAN. It is similar to a PAN. The National Pension Scheme allows individuals to make systematic or lump sum investments in either of the two accounts. First, the Tier 1 account. It is typically for pension and retirement needs and has tax benefits plus lock-in restrictions till the retirement. Two, the Tier 2 account, which is for all other goals other than the pension or the retirement. Here, there are no tax benefits and there is no lock-in restrictions whatsoever. Lekin, yaad rakhiye, investments in Tier 2 accounts are allowed only when you have a Tier 1 active account in the subscriber's name. Currently, there are close to about 4 crore Indians who have registered under the NPS scheme with a corpus of about 6 trillion rupees. Yes, 6 trillion rupees under management. Magar, basic sawal ye hai, कि NPS इन्वेस्ट कहां करता है, वेयर डज NPS इन्वेस्ट इट्स फंड्स। NPS 4 डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। फर्स्ट, क्लास ई यानी इक्विटी विद द कैप ऑन द मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर। क्लास जी यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्लास सी यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड रिसेंटली एडेड क्लास ए दैट इज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स लाइक REIT, इनवाइट एक्सेट्रा। बेस्ड ऑन द एसेट क्लासेस NPS में सब्सक्राइबर्स को दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं। ऑटो चॉइस, जहां पे द सब्सक्राइबर डज नॉट हैव टू मेक एनी डिसीजन ऑन द एसेट एलोकेशन। फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट्स करता है ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर बेस्ड ऑन हिज लाइफ साइकिल। सेकेंड, द एक्टिव चॉइस, यहाँ पे इंडिविजुअल्स आर फ्री टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट अमंग द 4 एसेट क्लासेस, ऑफकोर्स सब्जेक्ट टू सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। For example, subscriber up to the age of 50 years can invest only up to 75% of his portfolio in equities. ज्यादातर
एनपीएस में लोग इन्वेस्ट करते हैं टैक्स बेनिफिट की वजह से। यू कैन रेफर दिस चार्ट फॉर द डिफरेंट इनकम टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर एनपीएस टायर वन इन्वेस्टमेंट्स। याद रखें, टायर टू के लिए देर आर नो टैक्स बेनिफिट्स। बेसिकली अपार्ट फ्रॉम द 150,000 डिडक्शन यू गेट अंडर सेक्शन 80C, एनपीएस में यू गेट एडिशनल डिडक्शन ऑफ 50,000 अंडर सेक्शन 80CCD1 एंड द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर टैक्स बेनिफिट्स। अदर टैक्स बेनिफिट्स इन एनपीएस इंक्लूड्स आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है विच यू गेट एट द एज ऑफ 60, 100% रिटायरमेंट कॉर्पस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, लेकिन यू कैन विड्रॉ ओनली 60% ऑफ दैट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। द रेस्ट 40% हैज टू बी इन्वेस्टेड इन एनी वन ऑफ द एन्यूटी स्कीम्स अवेलेबल विद द एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि द IRDA गवर्न्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। याद रखें, यू कैन इन्वेस्ट इन NPS मैक्सिमम टिल द एज ऑफ 70 years एंड कंटिन्यू टू अवेल गेटिंग द टैक्स बेनिफिट्स। जस्ट टू समराइज दिस ऑल, NPS हैज इट्स ओन एडवांटेजेस, जैसे कि लो कॉस्ट मैनेजमेंट फीस, मॉडरेट रिस्क ड्यू टू डेट एलोकेशन, एडिशनल टैक्स बेनिफिट्स, एलोकेशन इन डिफरेंट एसेट क्लास, हैज इट्स ओन बैरियर्स, जैसे कि लॉक इन टिल रिटायरमेंट, यू कैनॉट विड्रॉ टिल द एज ऑफ 60, रिस्ट्रिक्शन ऑन द इक्विटी एलोकेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन द इक्विटीज विच टू इन्वेस्ट, टैक्स एप्लीकेबल ऑन द पेंशन एन्यूटी। बेसिकली इन द लॉन्ग रन आई पर्सनली फील डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स विल डेफिनेटली हैव अ एज ओवर NPS इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, ऑफकोर्स विद अ हायर रिस्क इन्वॉल्व। लेकिन आखिर में आपको डिसाइड कर रहा है, डज NPS सूट योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड योर रिस्क प्रोफाइल, एंड डज इट मेक सेंस फॉर यू टू इन्वेस्ट इन NPS फॉर योर रिटायरमेंट गोल्स। बिफोर डूइंग एनीथिंग, डू स्पीक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड टेक अ डिसीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Do like, share and subscribe our Money Matters Talks channel and press the bell icon for further notifications. Do write into us for any queries and suggestions. Thank you.